बीए थर्ड ईयर में जॉन लॉक के विचारों को जानने के बाद अब हम उसकी आलोचनाओं पर भी विचार करते हैं कि जॉन लॉक ने जो विचार दिए हैं, चाहे वो प्राकृतिक अवस्था पर दिए, चाहे वो उसने मानव स्वभाव को लेकर के दिए हैं, राज्य की उत्पत्ति को लेकर के दिए हैं, सामाजिक समझौते को लेकर के दिए हैं, उन सब पर हम यहाँ आलोचना की दृष्टि से विवेचना करेंगे कि जॉन लॉक के विचारों में कौन कौन सी कमी रही। तो जॉन लॉक जो आदर्शवादी विद्वान रहा है, उपयुक्तवादी रहा है, व्यक्तिवादी भी रहा है, और उसके लिए हम कहते हैं कि वो क्रांतियों का भी दार्शनिक है। आज हम उसकी आलोचना पर विचार करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी बातें उसकी गलत रही हैं। पहली बात यह है कि प्राकृतिक अवस्था का जो लॉक ने चित्रण किया है वो त्रुटिपूर्ण है। लॉक जो ये कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर शांति की, सद्भाव की, सहयोग की, समन्वय की अवस्था थी, कोई भी झगड़ा, निरंतर युद्ध कुछ भी नहीं होता था। तो इस बात को हम माने तो एक पक्षीय धारणा तो है कि भाई ये एक पक्षीय विचार है कि कभी ऐसा नहीं हो रहा होगा कि व्यक्ति हमेशा शांति प्रिय रहा हो, व्यक्ति का कभी कोई किसी से युद्ध झगड़ा नहीं हुआ हो। ऐसा जो लॉक कह रहा है वो यहाँ त्रुटिपूर्ण लग रहा है, गलत लग रहा है। लॉक का ये मानना कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर शांति सद्भाव की अवस्था थी और कभी किसी से संघर्ष नहीं हुआ, यदि इसको मान भी लिया जाए तो ये गलत, यहाँ इस तरीका से भी गलत सिद्ध हो जाती है कि यदि वो शांति की अवस्था थी तो फिर राज्य और समाज की स्थापना करने की, सरकार की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों हुई। यदि वो प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी, आदर्श थी, तो राज्य और सरकार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी और राज्य और सरकार नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ ये प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है वो गलत है, भ्रमपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है विद्यार्थियों, दोबारा सुने कि जो लॉक ने ये बताया कि प्राकृतिक अवस्था शांत थी, अच्छी थी, सद्भाव की अवस्था थी, यदि वो अच्छी अवस्था थी तो राज्य क्यों बनाया, तो ये भ्रमपूर्ण लग रहा है। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि इस राज्य की जो स्थापना का जो उद्देश्य है मात्र भौतिक नहीं है। जो लोग ये कह रहा है कि हमने जो राज्य बनाया, जो समझौता किया प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए और उस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमने जो स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा के लिए राज्य बनाया है, इस बात को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि राज्य की स्थापना का उद्देश्य कोई आदर्श नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, राज्य की स्थापना का उद्देश्य मात्र भौतिक है और राज्य मात्र एक भौतिक नहीं होता है। भाई हम किसी भाई आडंबर के लिए, दिखावे के लिए राज्य थोड़ी बना रहे हैं। राज्य तो नैतिकता और आदर्श सदाचार की स्थापना करे, इसके लिए हम राज्य बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। तो राज्य की जो स्थापना की है उसका उद्देश्य मात्र भौतिक नहीं हो सकता है, और लॉक ने जो विचार दिए उनसे ऐसा लग रहा है कि राज्य की स्थापना उसने सिर्फ भौतिक उद्देश्य के लिए की है, स्वतंत्रता और समानता, संपत्ति की सुरक्षा के लिए की है। आगे आलोचना है कि संपत्ति संबंधी जो विचार है, संपत्ति की जो विचारधारा है लॉक की, वो कैसी है, विसंगति पूर्ण है, वो भी त्रुटिपूर्ण है, गलत है। कहने का मतलब ये है क्योंकि जो लॉक ये कह रहा है कि किसी संपत्ति में यदि हमने क्या है कि अपना श्रम मिला दिया है तो वो अपनी हो गई, ऐसा करने से तो क्या है कि जो जागीरदार व्यक्ति पैदा हो गए, जो किसान लोग थे उनकी जमीन को उन्होंने हथिया लिया और वो बड़े बड़े जागीरदार शोषणकर्ता बन गए, तो ये विचार ही गलत है। लॉक का ये कहना कि किसी बाग में और किसी पेड़ पर क्या है कि फल फूल लगे हुए हैं, यदि मेहनत करके वो मैंने तोड़ लिए तो वो मेरे हो गए, तो ये तो गलत है क्योंकि पेड़ को बड़ा करने में और एक बाग लगाने में तो बहुत मेहनत करनी होती है, और किसी ने क्या है कि थोड़े परिश्रम से उनको तोड़ लिया तो क्या वो उसके हो गए, तो ये गलत रहा है। तो संपत्ति संबंधी विचार भी उसके त्रुटिपूर्ण लग रहे हैं। प्राकृतिक अधिकारों की जो धारणा है वो भी गलत है। प्राकृतिक अधिकारों के बारे में जो लोक ने ये कहा है कि प्राकृतिक अधिकार जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का अधिकार थे, ये प्राकृतिक अधिकार यदि इतने अच्छे थे तो फिर क्या है राज्य सरकार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। तो प्राकृतिक अधिकारों की धारणा भी त्रुटिपूर्ण है और इसलिए भी त्रुटिपूर्ण है कि हम प्राकृतिक किसे माने, क्योंकि प्राकृतिक शब्द को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कोई स्वतंत्रता को अच्छा मानता है, कोई समानता को अच्छा मानता है, और कोई कोई एक तरीका से संपत्ति को अच्छा मानता है, लोकतंत्र को कोई अच्छा मानता है तो कोई लोकतंत्र को बुरा मानता है। तो ये हम किस चीज
चीज को प्राकृतिक माने, स्वतंत्रता को माने, समानता को माने, तो यहाँ त्रुटिपूर्ण धारणा है कि इसमें मतभेद है। आगे है कि वैधानिक राजसत्ता को महत्व नहीं दिया है, वैधानिक राजसत्ता जो कानूनों पर आधारित होती है उसको कोई महत्व नहीं दिया गया है। और उसने कौन सी राजसत्ता की बात कर दी है, एक ऐसी राजसत्ता की बात कर दी है कि जो एक तरीका से हमारी संपत्ति की सुरक्षा कर रही है, एक तरीका से ऐसी बात उसने बताई है। तो यह वैधानिक राजसत्ता को कोई महत्व नहीं दिया है, जबकि हमारी राजसत्ता वैधानिक होनी चाहिए, कानूनी होनी चाहिए, नियमबद्ध होनी चाहिए, ऐसा हम कह रहे हैं। तो राजसत्ता विभाजित नहीं होती। एक बात यहाँ ये भी आती है कि जो लॉक है उसने राजसत्ता को राज्य में और सरकार में विभाजित कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। राजसत्ता कभी विभाजित नहीं होती है, खंडित नहीं होती है। राजसत्ता तो अखंड होती है, अक्षुण होती है, और राजसत्ता अदेय भी होती है, राजसत्ता का हस्तांतरण नहीं होता है। तो राजसत्ता के जो विभाजन की बात कर रहा है, जो लोग राज्य और सरकार में उसको बांटने की बात कर रहा है और विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है, वो भी गलत है। यहाँ पर राजसत्ता कभी विभाजित नहीं होती है, किसी एक व्यक्ति में ही राजसत्ता हो सकती है। और एक बात यहाँ आ रही है कि वैधानिक राजसत्ता को भी महत्व उसने नहीं दिया है। तो ये बात दोबारा आ गई यहाँ पर कि वैधानिक राजसत्ता है उसको कोई महत्व नहीं दिया है उसने, कानूनी राजसत्ता को, कानूनी राजसत्ता को महत्व नहीं दे रहा है, और वो एक तरीका से प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की बात कर रहा है, जबकि प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं होती है व्यक्ति के लिए। क्या है कि कानूनों का भी अपना महत्व होता है, कानून सर्वोपरि होते हैं, तो कानूनों की सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हमने कुछ आलोचनाएं यहाँ देखी जॉन लॉक के विचारों की, और मैं समझता हूँ कि जॉन लॉक पर जो प्रश्न बनता है वो महत्वपूर्ण यही बनता है, प्राकृतिक अवस्था क्या है। जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विवेचना कीजिए, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो यहाँ कुछ ये आलोचना थी, और उसका समझौता सिद्धांत हमने बताया, मानव स्वभाव को लेकर के, प्राकृतिक अवस्था को लेकर के, और राज्य की स्थापना को लेकर के जो समझौता हुआ, और समझौते से जो दो तरह के समझौते की बात बता रहा है। एक तो समझौता व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर के हुआ जिसमें समाज बना, दूसरा समझौता व्यक्ति का शासक से हुआ जिससे सरकार बनी। तो यहाँ हमने लॉक के बहुत अच्छे विचार देखे। अब हम उसकी आलोचना के बाद ये लग रहा है कि यहाँ लॉक पूरा हो गया है, लॉक के जो विचार हैं वो पूरे हो गए हैं। अगला अपना दार्शनिक होगा रूसो, जीन जैकस रूसो, वो भी समझौतावादी है, क्योंकि तीन समझौतावादी हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो रूसो पर अच्छे प्रश्न बनते हैं बजाय लॉक के। तो रूसो पर प्रश्न आता है यार, हर साल आता है रूसो पर प्रश्न आता है, रूसो की सामान्य इच्छा आती है, रूसो के सामाजिक समझौते पर भी प्रश्न आ जाते हैं, स्वतंत्रता पर उसके विचार हैं वो भी आ जाते हैं। तो आगे की वीडियो में होंगे वो।